हे नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय दुलगज। एक बार फिर से आपका ग्लोबनेट एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने जाना था कि किस तरह से हम टैली में नए कंपनी को क्रिएट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बैलेंस शीट के बारे में, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट होती क्या है और लेजर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। मेरे साथ बने रहे और देखते रहे ग्लोबनेट एजुकेशन। दोस्तों, आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली दिखाई दे रहा है आपको। जैसे ही आप कंपनी बनाएंगे तो आपको, जैसे कंपनी बनते ही आपको डायरेक्ट टैली गेटवे ऑफ टैली पर लेकर जाएगा। यहाँ से आप नीचे की ओर आएंगे, यहाँ पर आपको बैलेंस शीट दिखाई देगा। दोस्तों, बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट एक्चुअली एक स्टेटमेंट होता है जहाँ पर आपका बिजनेस का जो भी रिकॉर्ड है वो उसके अंदर हम लोग रख सकते हैं। जैसे कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, आपने कितना खर्चा किया, वो सारा का सारा रिकॉर्ड हम बैलेंस शीट के अंदर मेंटेन करके रख सकते हैं। दोस्तों, बैलेंस शीट हम लोग साल में एक बार बनाते हैं। आप इसे 3 महीने में भी बना सकते हैं, 6 महीने में बना सकते हैं और इसे 1 साल में भी बना सकते हैं। जब आप इनकम टैक्स भरना चाहते हैं या आप देखना चाहते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ साल में या कितना लॉस हुआ, तो आप बैलेंस शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, बैलेंस शीट में दो साइड होती है, एक होती है लाइबिलिटी, दूसरी होती है असेट। लाइबिलिटी मतलब जो आपका खर्चा होगा या जो भी आप खर्चा कंपनी में करेंगे वो सब का सब आपको लाइबिलिटी में दिखाई देगा। असेट मतलब जो पैसे से आप कुछ भी सामान खरीदेंगे, जो आपको बिजनेस में इनकम अर्न करके देगी, उसे हम असेट कहते हैं। लाइबिलिटी के अंदर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमारे पास कैपिटल अकाउंट है, लोन लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटीज़ है और असेट में आपको करंट असेट ही दिखा देगा। दोस्तों, अगर आप इसके अंदर कुछ टाइप करेंगे कीबोर्ड से, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ भी टाइप नहीं होने वाला है। अगर आप इसके अंदर कुछ लिखना चाहते हैं या कुछ टाइप करना चाहते हैं, उसे हम टैली में कहते हैं हाउ टू क्रिएट लेजर। लेजर कैसे बनाते हैं? आपको इसके अंदर टाइप करने से पहले लेजर बनाना होगा। दोस्तों, लेजर बनता कैसे है? यहाँ पर आपको अपने कीबोर्ड से एस्केप करना है, यहाँ से आपको ऊपर मास्टर में आना है। मास्टर में आने के बाद आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अलग अलग अकाउंटिंग मास्टर्स दिखाई देंगे, जिसके अंदर ग्रुप है, लेजर है, करेंसी है, वाउचर टाइप है, अलग अलग तरह की चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देगी। वैसे ही आपको यहाँ पर इन्वेंटरी मास्टर दिखाई देगा। अगर आप स्टॉक क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर स्टॉक कैटेगरी है, स्टॉक आइटम है, स्टॉक ग्रुप है, यूनिट है, गोडाउन है, इसके बारे में भी हम आगे चलकर बात करेंगे। दोस्तों, अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि किस तरह से लेजर को हम क्रिएट करते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर लेजर को सिलेक्ट करना है। लेजर सेलेक्ट करने के बाद उसे एंटर क्लिक करना है। जैसे ही आप एंटर क्लिक करेंगे, आपको लेजर क्रिएशन का फॉर्म कुछ इस तरह से दिखाई देगा। दोस्तों, आपने बैलेंस शीट में देखा होगा, फर्स्ट लाइबिलिटी साइड में आपको कैपिटल अकाउंट दिखाई दिया होगा। दोस्तों, मान लीजिए आप कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं और उस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए आप कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं कंपनी के अंदर, तो इस तरह के अकाउंट को हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट। मान लीजिए यहाँ पर मुकेश ने कंपनी स्टार्ट करने के लिए, मुकेश सी ने कंपनी स्टार्ट करने के लिए कंपनी में कुछ पैसे इन्वेस्ट किए, तो वो जाएगा यहाँ पर लिस्ट ऑफ ग्रुप। लिस्ट ऑफ ग्रुप क्या होता है दोस्तों, इसकी वीडियो, इसको पूरा डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैंने इसी वीडियो के अंदर एक लिंक दिया हुआ है, एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है जिसपे आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर पूरा एक एक ग्रुप के बारे में हमने बहुत ही अच्छे से उसे एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वीडियो को देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि ग्रुप क्या होता है। दोस्तों, यहाँ पर मुकेश है जिसने कंपनी के अंदर एक पैसा इन्वेस्ट किया है, ठीक है, तो उसे हम यहाँ पर डालेंगे अंडर कैपिटल अकाउंट के अंदर, ठीक है। यहाँ पर मुकेश का एड्रेस जो भी होगा, जहाँ पर भी वो रहता होगा, वो एड्रेस हम लोग यहाँ पर उसे इंसर्ट कर देंगे। मान लीजिए मुकेश बांद्रा ईस्ट में रहता है, इसे एंटर करेंगे, यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करेंगे, महाराष्ट्र, कंट्री 40051, जो भी उसकी डिटेल है आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। अगर वो बैंक से पैसा डिटेल देता है तो आप यहाँ पर बैंक की डिटेल भी डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा बाई चेक ई फंड की तरह पैसा ट्रांसफ़र हुआ है या कोई अदर सोर्स की तरह ट्रांसफ़र किया है, तो आप यहाँ पर भी मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो इसे स्किप करके नो रख दीजिए। अभी हम जस्ट सिंपल लेजर कैसे क्रिएट करते हैं वो समझ रहे हैं। उसके बाद अगर वहाँ पर मुकेश, मिस्टर मुकेश का है, जो भी आपका पार्टनर होगा, उसका पैन कार्ड नंबर आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर हमें बताना है उसे कि वो मुकेश जो है वो किस तरह का रेगुलर है, अनरजिस्टर है, कंज्यूमर है या कंपोजिशन स्कीम वाला है। अभी जो है मुकेश ने नई कंपनी स्टार्ट की हुई है, तो ही इज़ अ अनरजिस्टर, तो आप यहाँ पर अनरजिस्टर भी कर सकते हैं या अननोन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ पर इसे अनरजिस्टर को ही सिलेक्ट कर लेते हैं, एंटर करेंगे, और यहाँ पर अगर GST है तो उसके बारे में हम आगे की वाली वीडियो में बताएंगे। उसके बाद एंटर करेंगे, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस है, मुकेश ने कंपनी स्टार्ट करने के लिए 5 लाख रुपीज़ का इन्वेस्ट किया।
यहाँ पर हम लोग 5 लाख रुपीज़ लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर 5 लाख रुपीज़ क्रेडिट हो गया, आप यहाँ ऊपर की ओर देख सकते हैं, से एंटर कर देंगे। ठीक उसी तरह से अगर मुकेश के साथ में कोई दूसरा पार्टनर भी है जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है तो हम उसका भी नाम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मुन्ना पार्टनर है, मुन्ना के जो है एक पार्टनर है उसे भी आप ले लेंगे, सेम उसे भी हम अंडर कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे और उनकी भी डिटेल यहाँ पर हम फिल कर देंगे। मुन्ना ने यहाँ पर मान लीजिए 3 लाख रुपए का कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो यहाँ पर 3 लाख क्रेडिट, यस। ये सिंपल सी चीज़ें हो गई है। इसे अगर आपको देखना है तो आपको अपने कीबोर्ड से एस्केप करना है, एस्केप बटन का इस्तेमाल करके यहाँ से बाहर आ जाना है। जैसे आप यहाँ से बाहर आएंगे यहाँ पर आपको बैलेंस शीट दिखाई देगा, आपको बैलेंस शीट पे एंटर करना है। आप देखेंगे यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में आप इसे ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर डिटेल दिखाई देगी। जैसे मुकेश ने यहाँ पर 5 लाख रुपये कंपनी में इन्वेस्ट किया है, उसी तरह से मुन्ना जी ने भी यहाँ पर 3 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया है, तो दोनों जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो हमारे होते हैं कैपिटल अकाउंट। ठीक उसी तरह से मान लीजिए इनके पास अभी 8 लाख रुपए हैं और अभी इन्हें और 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है कंपनी चलाने के लिए, तो ये बैंक से अभी लोन लेते हैं। तो लोन लेने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे लोन लाइबिलिटी के अंदर, एस्केप करेंगे यहाँ से, दोबारा से हम क्रिएट में आ जाएंगे। क्रिएट में आने के बाद यहाँ पर हम लेजर को सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे जैसे मान लीजिए मिस्टर मुकेश ने यहाँ पर ICICI बैंक से लोन लिया है, तो हम बैंक का नाम लिख देंगे, एंटर करेंगे। अब ये जो बैंक है ये बैंक अकाउंट के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ पर हमने लोन लिया है तो इट्स गोज टू लोन लाइबिलिटी। यहाँ पर आप देखेंगे लोन लाइबिलिटी के लिए लोन लाइबिलिटी को सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर करेंगे। जैसे ही लोन लाइबिलिटी सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि आप GST एप्लीकेबल हैं, तो आप यहाँ से GST भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम GST के बारे में कुछ भी बात नहीं करेंगे, तो फिलहाल के लिए हम इसे नॉट अप्लीकेबल रहने देते हैं और इसे एंटर कर लेते हैं। फिर यहाँ पर बैंक का नाम, बैंक का एड्रेस, बैंक की डिटेल्स जो भी होगी, यहाँ पर बैंक ने अगर पेमेंट किया होगा तो किस तरह से, ऑनलाइन किया होगा तो ऑनलाइन भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पर आप ई फंड ट्रांसफ़र में जा सकते हैं, तो वहाँ से बैंक का अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह भी डाल सकते हैं। फिलहाल हम इतनी डिटेल नहीं भरेंगे, जस्ट सिंपली नो पे रखेंगे इसे, बैंक का पैन कार्ड नंबर, GST नंबर, और यहाँ से इसे एंटर करके अभी बैंक से मान लीजिए मुकेश ने बैंक से 1,50,000 रुपीज़ लोन लिया है, तो यहाँ पर हम लोग 1,50,000 लिखेंगे, हो गया लोन अपना एक्सेप्ट। ठीक उसी तरह से मुन्ना के ने भी यहाँ पर लोन लिया हुआ है, तो मान लीजिए मुन्ना जी ने यहाँ पर सिटी बैंक से लोन लिया है, तो हम यहाँ पर सिटी बैंक लिख देंगे। यहाँ पर ये भी लोन है तो अंडर लोन लाइबिलिटी यहाँ से लिस्ट ऑफ ग्रुप से आप लोन लाइबिलिटी को सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर भी सारी डिटेल फिल कर दीजिए और इसी तरह से आप नीचे की ओर आएंगे। यहाँ पर मुन्ना जी ने 50,000 रुपये का लोन लिया हुआ है, यहाँ पर हम इसे क्रेडिट कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आपने, यहाँ पर हमारे पास टोटल 10 लाख रुपीज़ अभी हो चुके हैं कंपनी स्टार्ट करने के लिए। आप यहाँ से एस्केप कर लेंगे, यहाँ से बैलेंस शीट में जाएंगे, बैलेंस शीट में जाने के बाद ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे आपको यहाँ पर दिखाई देगी कैपिटल अकाउंट में मिस्टर मुन्ना ने 50,000 रुपये का बैंक से लोन लिया है। यहाँ पर बैंक की डिटेल्स आप देख सकते हैं किसने कितना लोन लिया है, और यहाँ पर बैंक ICICI बैंक आपको दिखाई देगा कि मिस्टर मुकेश ने ICICI बैंक से कितना लोन लिया है। अब यहाँ पर हम दूसरी साइड में भी एक एंट्री करके देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम असेट में आके कुछ लिखना चाहते हैं, यहाँ से कीबोर्ड से कुछ बटन प्रेस करते हैं लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं आता है। अभी मान लीजिए हमारे पास 10 लाख रुपीज़ आ गया है और 10 लाख रुपीज़ आने के बाद हम कंपनी में कुछ थोड़ा बहुत सामान खरीदना स्टार्ट करते हैं कंपनी स्टार्ट करने के लिए। जैसे मान लीजिए हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग लिखेंगे, फर्नीचर लिखेंगे, उसके बाद कुछ मशीनरी वगैरह लिखेंगे, तो ये सारी की सारी एंट्री हम यहाँ पर लेजर के थ्रू क्रिएट करेंगे। वापस से इसे एस्केप कर देंगे, फिर से हम क्रिएट के अंदर आ जाएंगे। क्रिएट के अंदर के आने के बाद दोबारा यहाँ पर हम लेजर पर क्रिएट करेंगे। मान लीजिए अभी हमारे पास हमने लिया लैंड एंड बिल्डिंग, हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, एंटर करेंगे।
ये हमारा फिक्स असेट होगा। अभी ये हमें एक कंपनी स्टार्ट करने के लिए हमें जो पैसे लगते हैं उसके लिए हमें रेंट देना पड़ता है या ठीक है जगह खरीदनी पड़ती है, जो हमें आने वाली चीज में हर एवरी मंथ हमको जो अर्न करके देती है, ठीक है उसे हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर कर लेंगे यहाँ पर। अभी यहाँ पर हम लोग टाइप ऑफ सप्लाई कुछ नहीं है, ये हमारा गुड्स हो गया, ठीक है इसको हम लोग यहाँ पर गुड्स पे क्लिक कर देंगे, एंटर एंटर करके जहाँ पर लेने उसकी डिटेल रखेंगे। अभी बैक करेंगे, बैक करने के बाद मान लीजिए यहाँ पर हम 80,000 रुपीज़ हम रेंट पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा 80,000 डेबिट हो जाएगा। उसके बाद हमने कंपनी चलाने के लिए फर्नीचर खरीदा, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे फर्नीचर, एंटर करेंगे, ये भी हमारा फिक्स असेट होगा, इसे भी हम एंटर एंटर करके फर्नीचर हमने लिया, मान लीजिए 2 लाख रुपए का हमने फर्नीचर लिया, तो यहाँ पर फर्नीचर हम डाल देंगे, एंटर कर देंगे। उसके बाद हम सोच रहे कि यहाँ पर मशीनरी हम लोग ले लें, तो यहाँ पर हम मशीनरी का भी एंटर, ये भी हमारी फिक्स असेट है, यहाँ पर हमें इसे फिक्स असेट कर देंगे और इसे भी हम एंटर करके बात करेंगे, 3 लाख रुपए की हमने मशीनरी ली है, तो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और इस तरह से हम अपना लेजर क्रिएट कर देंगे। तो दोस्तों ये आपने सिंपली समझा कि किस तरह से हम बैलेंस शीट के अंदर लेजर क्रिएट करते हैं या एंट्री करते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको दिखा रहा है फिक्स असेट 5,80,000, करंट एसेट अभी भी आपका बाकी है, यहाँ पर डिफरेंस 4,20,000 अभी भी बाकी है, और F1 यहाँ से करके देख लेंगे हम, यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ठीक है। मान लीजिए आपके पास अगर स्टॉक है या क्लोजिंग स्टॉक है या कैश इन हैंड है तो भी आप उसकी भी एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको यहाँ से एस्केप करना होगा। एस्केप करने के बाद दोबारा से यहाँ पर क्रिएट में जाना होगा और लेजर क्रिएट करना होगा, यहाँ पर हम लेजर में जाएंगे। लेजर में जाने के बाद मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई शेयर खरीद रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कोई भी कंपनी का नाम, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया जियो, जियो में मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया। अब यहाँ पर मैं करूँगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो ये चला जाएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर, यहाँ से कंपनी की डिटेल, यहाँ पर मैंने 50,000 का इन्वेस्ट किया और इसे डेबिट कर देंगे हम लोग। उसके बाद ठीक उसी तरह से अगर आप कैश इन हैंड में एंट्री करना चाहते हैं तो कैश इन हैंड की भी एंट्री यहाँ पर दिखा सकते हैं। दोस्तों अलग अलग तरह से आप यहाँ पर लेजर का क्रिएशन कर सकते हैं। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग ग्लोबनेट एजुकेशन।